हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया था, इंडेक्स ऑफ रियल नंबर, और हमने उसका फार्मूला बताया था कि रियल नंबर के ऊपर जो पावर लगे होते हैं उनको इंडेक्स बोलते हैं। उनके सॉल्व करने के लिए हमने आपको कुछ फार्मूला लिखा था। जो बचा हुआ है स्टूडेंट, मैं उस फार्मूले को लिखता हूं और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको एक फार्मूला स्टूडेंट हम लिखते हैं, इस प्रकार के सवाल आपके सामने मिलेंगे। जैसे ये आपका लिखा हुआ है ए टू द पावर एम एन, हमने बताया स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हो ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, या तो स्टूडेंट इसे आप लिख सकते हो ए टू दी पावर एन ए टू दी पावर एन टू दी पावर एम, ये लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं और आप सीखने का प्रयास करिए। जैसे लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है ए टू दी पावर, यहां पे टू लिखा है और इसका पावर लिखा है माइनस वन बाई थ्री लिखा हुआ है। इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, आप कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? पहले इस आउटसाइड के जो ब्रैकेट हैं उसे आप ओपन करिएगा और इस ब्रैकेट को मत ओपन करिएगा। इसका जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पर इक्वल कर लीजिए। एक ब्रैकेट आपका ओपन हो गया स्टूडेंट, ये टू इंटू माइनस वन बाय थ्री हो गया और इसको स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं माइनस टू बाय थ्री हो गया और एट को स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं टू का पावर थ्री का पावर माइनस टू बाई थ्री हो गया। अब इसको लिखते हैं स्टूडेंट टू का पावर थ्री इंटू माइनस टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा टू का पावर माइनस टू और इसे लिखते हैं वन अपान टू का पावर टू और इसे लिखते हैं वन अपन फोर। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साहब इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट हम और आपका लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे आपके पास स्टूडेंट लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए टू का पावर क्यूब का पावर टू का पावर वन बाई थ्री का पावर वन बाई टू, ये ऐसे लिखा हुआ है स्टूडेंट। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया सबसे पहले आउटर ब्रैकेट जो है, जो सबसे बाहर ब्रैकेट है उसे ओपन करें। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट ऐसे लिखते रहेंगे टू का क्यूब का होल स्क्वायर वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू लिखेंगे। अब स्टूडेंट इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टू का क्यूब टू इंटू वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू लिखेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टू का पावर थ्री इंटू वन बाई थ्री, इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा तो। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे और इसे आप सॉल्व कर लेंगे।
स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन, नंबर वन में, नंबर टू में, नंबर थ्री में, नंबर फोर में आपके सामने क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करने की मेथड आपको सीखने हैं। तो हम सॉल्यूशन डालते हैं स्टूडेंट और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर वन में लिखा हुआ है, ऐसे लगा है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, 6 to 5 to the power -1/2 और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है, -1/4 to the power 2 लिखा हुआ है। मैंने आपसे स्टूडेंट बोला कि सबसे पहले आप आउटर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को ओपन करें और ए ऐसे लिख दें और यहां 6 to 5 to the power -1/2 और ये कर्ली ब्रैकेट -1/4 into 2 लिखा हुआ है और 2 2 जा ये कर देते हैं। फिर इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट तो ये स्मॉल ब्रैकेट आपको मिलेगा 6 to 5 to the power -1/2 into -1/2 स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 6 to 5 to the power +1/4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 6 to 5 का फैक्टर करेंगे तो ये आपको 5 into 5 into 5 into 5 मिलेगा और ये 1/4 हो जाएगा और इसको लिखेंगे स्टूडेंट 5 to the power 4 to the power 1/4 is equal to 5 to the power 4 into 1/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। ऐसे स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट लिखा हुआ है सॉल्यूशन 4/216 to the power -2/3 1/256 to the power -3/4 2/243 to the power -1/5 इसे सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि यदि a to the power -3 लिखा हो, माइनस n लिखा हो तो इसको 1/a to the power n लिखें और 1/a to the power -m लिखा है तो a to the power m लिखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट नेगेटिव हटा दीजिए, जितने भी पावर है नेगेटिव उनको आप रिमूव करिए और ये जैसे ये हटता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ऊपर चला जाएगा। यहां लिख देंगे 4/216 to the power 2/3 + 256 to the power 3/4 और ये हो जाएगा 2/243 to the power 1/5 हो जाएगा। स्टूडेंट इनका फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये यहां पर स्टूडेंट 6 into 6 into 6 करते हैं टू द पावर 2/3 करते हैं। स्टूडेंट 4 इसको हमने 216 को 6 into 6 into 6 कर लिया, इसके लिए स्टूडेंट आप कर लीजिए 4 into 4 into 4 into 4 to the power 3/4 और इसको स्टूडेंट आप लोग 243 को 3 into 3 into 3 into 3 into
और ये 3 का पावर 1/5 कर लीजिए। इसको ऐसे सॉल्व करते रहिए, 6 to the power 3 to the power 2/3, ये 4 to the power 4 to the power 3/4, 2 into 3 to the power 5 to the power 1/5। अब हम 4 into 6 to the power 3 into 2/3 और इसे लिखेंगे 4 to the power 4 into 3/4 प्लस 2 3 to the power 5 into 1/5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसे लिखेंगे 4 into 6 to the power 2 plus 4 to the power 3 और प्लस 2 into 3 और इसे सॉल्व करेंगे, 4 into 6 6 जा 36 और प्लस 4 into 4 ये 64 और प्लस 6 6 जा 6 4 6 जा यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, फोर का 6 में मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 144 प्लस 64 में 6 ऐड कर दिया, इसे ऐड किया तो 70 हो जाएगा और इसको ऐड किया तो 214 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 1/4 0 1 to the power -1/2, 27 to the power 2/3। स्टूडेंट इसको पहले पावर के रूप में लिखते हैं, 1/4 to the power 1/2 और इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, 1/100 to the power -1/2 और इसे 3 into 3 into 3 to the power 2/3 लिखते हैं। इसको स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का whole square to the power 1/2 और 1/10 का whole square to the power -1/2 और इसको लिख सकते हैं 3 का whole cube to the power 2/3। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट, 1/2 to the power 2 into 1/2 प्लस 1/10 to the power 2 into -1/2 minus 3 to the power 3 into 2 upon 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 1.2 और प्लस ये पावर है स्टूडेंट 1/10 to the power -1 है और यहां पर ये 3 का power 2 है तो 1/2 ये नेगेटिव पावर हटता है स्टूडेंट तो ये 10 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 1/2 plus 1 हो जाएगा। इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, 3/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट 25 to the power 3/2
इंटू 243 टू द पावर 3/5 अपॉन 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। इनको स्टूडेंट पावर के रूप रिस्पेक्ट में स्मॉलेस्ट फैक्टर के रूप में इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 3/2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 देख लेते हैं। 243 81 × 3 9 × 9 × 3 3 × 3 3 × 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 3/5। ऐसे 16 का करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 टू द पावर 5/4 हो जाएगा इंटू 2 × 2 × 2 टू द पावर 4/3 हो जाएगा। अब इसे पावर के रूप में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 5² × 3/2 3 × 5 × 3/5 अपॉन 2 × 4 × 5/4 इंटू 2³ × 4/3। इसे सॉल्व करते हैं, यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट 5² × 3/2 3 × 5 × 3/5 अपॉन इसको लिखेंगे 2³ × 5/4 और इसे लिखेंगे 2³ × 4/3। अब यहां सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां होगा 5³ × 3 × 3³ यहां 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 का पावर 4। ये 5³ × 3³ अपॉन यहां पर हो सकता है आपका 2 का पावर 5 + 4 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट ये 2 और ये 2 बेस हैं, इसका इंडेक्स 5 और 4 बेस अगर सेम होते हैं तो इंडेक्स जुड़ जाता है, तो ऐड कर दिया और ये आपका ये और ये सेम है इसलिए स्टूडेंट इसको 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 का पावर 9 और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 10³ / 2⁻¹। अब इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट तो सॉल्व भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10³³ लिखा हुआ है तो इसे 2³ × 3 लिख सकते हैं और इसे 10² × 2² × 2³ लिख सकते हैं और इसको आप सिंप्लीफाई करके 5² × 4³ कर सकते हैं और 125/64 लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट मॉडल आपको बताते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराते हैं स्टूडेंट, इस पर आधारित हम आपको कराने चल रहे हैं। जैसे x²m लिखा है, y²n लिखा है, x²p लिखा है,
वाई टू द पावर क्यू लिखा है। स्टूडेंट अगर इस मॉडल का आपके पास आ जाता है तो इस मॉडल के क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां पर इसके इंडेक्स इस इंडेक्स के बराबर कर देंगे, m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू q कर देंगे और इससे कुछ वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इस पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन चल रहे हैं कराने के लिए, देखिए कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे इस पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम आपको क्वेश्चन द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हर क्वेश्चन में अगर पहले क्वेश्चन को स्टूडेंट देखें तो वेरिएबल आपका एक्स है, दूसरे क्वेश्चन को देखें तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तीसरे क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी स्टूडेंट आपके पास दो वेरिएबल एक्स और वाई है, इन्हें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हमने आपको फार्मूला जो अभी लिखा है नोट्स उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर वन का, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट टू का पावर एक्स प्लस वन और माइनस टू का पावर एक्स और प्लस टू और प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। इसे स्टूडेंट सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, थ्री इंटू ये ब्रैकेट ओपन करते हैं टू का पावर एक्स लिखते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टूडेंट टू का पावर एक्स इंटू टू का पावर टू। ये जो पावर है स्टूडेंट ये पावर टू के ऊपर भी जाएगा और ये पावर जो है इस टू के ऊपर भी जाएगा। तो अगर दो वैल्यू लिखे हुए हैं तो ये बेस है, बेस का ये इंडेक्स है, इंडेक्स अलग अलग है तो ये बेस दोनों के ऊपर जाएगा टू का पावर एक्स इंटू टू का पावर टू प्लस फाइव। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये थ्री का टू में मल्टीप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट क्योंकि ये आपका इंडेक्स है और ये आपका वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो ये थ्री इंटू टू का पावर एक्स अब प्लस ये आपका थ्री का फाइव के साथ ऐड कर देते हैं यहाँ पे और इसको लिख देते हैं टू टू सा फोर और टू का पावर एक्स अब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इससे स्टूडेंट टू का पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये थ्री माइनस फोर अब प्लस एट हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो और ये आपका टू का पावर एक्स माइनस वन अब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। यहां पर इसे सॉल्व करते हैं टू का पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एट या स्टूडेंट इसे लिखेंगे टू का पावर एक्स इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू, ये बेस टू है स्टूडेंट इसे भी बेस टू का बना लें तो ये टू का पावर थ्री हो जाए और 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 3। बेस सेम है स्टूडेंट तो इनके इंडेक्स भी सेम होंगे इसलिए x इज इक्वल टू 3 ये सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट अगर दोनों तरफ बेस बराबर है तो उनके इंडेक्स भी बराबर होते हैं। इस प्रकार से कोशिश करिए कि आपका जो बेस है उसी बेस पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और दोनों को कंपेयर करें, आपका सवाल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हम करा देते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल सॉल्व करने हैं, हम एक इस साइड में सॉल्व करते हैं एक उस साइड में सॉल्व करते हैं। थ्री टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू नाइन इंटू थ्री टू दी पावर वाई लिखा और दूसरा लिखा है 8 इंटू टू का पावर वाई इज इक्वल टू 4 टू दी पावर एक्स लिखा है। इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा,
ये 9 को बेस 3 के रूप में कन्वर्ट करना होगा, और यहां पर 8 को बेस 2 के रूप में, और इसे भी 4 को बेस 2 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 टू द पावर x हो जाएगा, ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर y हो जाएगा। ऐसी यहां स्टूडेंट लिखेंगे 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर y हो जाएगा, और 2 का पावर 2 टू द पावर x हो जाएगा। सभी के बेस 2 हो गए स्टूडेंट। अब इसे सॉल्व करना है। 3 टू द पावर x बेस सेम है स्टूडेंट, इसलिए 2 प्लस y लिखेंगे। ऐसे इस साइड में अगर सॉल्व करते हैं, 2 बेस है, ये 3 प्लस y हो जाएगा, और ये स्टूडेंट 2 का पावर 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसे 2 का पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 2 का पावर 2x लिखते हैं। इस साइड में स्टूडेंट बेस सेम है, इसलिए इंडेक्स बराबर होंगे, तो इंडेक्स ये बराबर होंगे स्टूडेंट। बेस सेम होने के बाद x इज इक्वल टू 2 प्लस y इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट ये इंडेक्स सेम होंगे, तो यहां लिखेंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 2x। इस y ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखते हैं फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर 2 में रखते हैं स्टूडेंट तो देखिए 3 प्लस y इज इक्वल टू 2x, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस y पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 2y, और ये 3 प्लस y स्टूडेंट ये इस साइड में आएगा और ये इस साइड में शिफ्ट होगा, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2y, ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 2 प्लस y, 2 प्लस माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। इस मॉडल की अगर कहीं क्वेश्चन मिलते हैं स्टूडेंट तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इंडेक्स बेस बराबर करने हैं, इंडेक्स को कंपेयर करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट है आपके पास 32 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और इस साइड में इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 16 टू द पावर 4 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर y कर लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट ये जो आपका रूट है सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। ये 32 टू द पावर x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। स्टूडेंट यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, 32 की आप फैक्टर ज्ञात करें जिसके आपका फैक्टर 2 ही होने चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
पावर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू का पावर बाई प्लस वन इज इक्वल टू वन। इसको स्टूडेंट टू का पावर फाइव इंटू एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू का पावर बाई प्लस वन इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं। या तो इसको स्टूडेंट टू का पावर फाइव एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई टू का पावर बाई प्लस वन इज इक्वल टू वन। डिवीजन के केस में स्टूडेंट हमने ए टू द पावर एम बटे ए टू द पावर एन के लिए लिखा था ए टू द पावर एम माइनस एन। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे टू का पावर फाइव एक्स बाई टू माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन। स्टूडेंट ये आपका पूरा का पूरा इंडेक्स है और यहां वन है, जब वन आ जाए तो इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं टू का पावर जीरो। अब ये बेस टू हो गया, इसका इंडेक्स जीरो है, इसका बेस टू है, इसका इंडेक्स फाइव एक्स माइनस वाई प्लस वन है, इसलिए इंडेक्स को बराबर कर देते हैं 5x by 2 minus y minus 1 is equal to 0। ये आपका 5x by 2 minus 1 is equal to y equation number first। इसे भी स्टूडेंट इंडेक्स 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर, बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 into 2 into 2 into 2 to the power 4 minus x by 2 और इसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 to the power y। स्टूडेंट इसे लिखेंगे 4 और ये लिखेंगे 4 minus x by 2 to the power 2 का power 3 by और इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये 2 का power 4 4 जा 16 माइनस फोर एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू का पावर थ्री बाई टू, टू जा फोर हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट टू का पावर सिक्सटीन माइनस टू एक्स, यहाँ पे टू का पावर थ्री बाई है। हमने स्टूडेंट बताया कि अगर बेस सेम हो जाते हैं तो उनके इंडेक्स भी सेम हो जाएंगे, इसलिए बेस सेम है तो इसके इंडेक्स हम सेम कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 बाई और बाई की वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट कर देते हैं, पुट बाई इज इक्वल टू 5x बाई 2 माइनस 1 देन वी will get 16 minus 2x is equal to 3 into 5x by 2 minus 1। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहां पर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 16 minus 2x is equal to 3 into 5x by 2 minus 3। स्टूडेंट इसे 16 plus 3 लिख लेते हैं और ये 15x upon 2 plus 2x कर देते हैं, ये 19 हो जाता है, ये 15x plus 4x upon 2 हो जाता है, ये 19 और ये 19 x अपॉन 2, 19 से 19 कट गया स्टूडेंट, ये आपका 1 हो गया, x by 2 x is equal to 2 हो गया। ये आप सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, पुट x is equal to 2 in y is equal to 5x by 2 minus 1, तो 5 into 2 upon 2 minus 1, 2 से 2 cancel हो जाएगा, 5 minus 1 is equal to 4,
ये बाई की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के आपको मिलेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में हम आपको सवाल लिख करके आपको हम समझाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये स्टूडेंट ये लिखा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इफ 2 का पावर x, 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z, देन सो दैट 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x। इफ 2 का पावर x, 3 टू द पावर y, 6 टू द पावर z, सो दैट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0। If a to the power x, b to the power y, c to the power z and b square is equal to ac, then so that y is equal to 2zx upon z plus x. If 3 to the power x, 5 to the power y, 75 to the power z, then so that z is equal to xy upon 2x plus y. X is equal to 2. If x is equal to 2 का पावर 1 by 3 plus 2 का पावर 2 by 3, so that x cube minus 6x minus 6 is equal to 0। इस मॉडल की इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस मॉडल के क्वेश्चन आपके एसएससी में भी मिलते हैं, रेलवे एग्जाम में भी आते हैं, डिप्लोमा में भी कोई लड़का बैठना चाहता है तो इस मॉडल के क्वेश्चन डिप्लोमा में भी आए हुए थे और आते भी रहते हैं, इसलिए इनको आप करना सीख लीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। जबकि ये टिपिकल भी है और इनका एक सिंपल मेथड है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इनको हमने आपके लिए लिखा है स्पेशल, कैसे आप करेंगे इसको हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट, इफ 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z इज इक्वल टू z, सो दैट लिखा हुआ है, सो दैट 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x, इसे प्रूफ करना है, इसे स्टार्ट यहां से करना है और वो दिखाना है। कैसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट, इसके लिए आपको ये तीनों बराबर हैं तो तीनों की बराबर आप एक कोई कांस्टेंट नंबर आप चूज कर लीजिए। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z इज इक्वल टू k लिख। अब k में स्टूडेंट आपको हम यहाँ पर फार्मूला लिखे हुए थे, a टू द पावर n इज इक्वल टू b है तो a इज इक्वल टू b टू द पावर 1 अपॉन n होगा। इस फार्मूले का उपयोग करके 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर x इज इक्वल टू k हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट k टू द पावर 1 अपॉन x। इसी प्रकार से स्टूडेंट 3 का पावर y इज इक्वल टू k लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई y लिखेंगे, 2 और 3 हो गया स्टूडेंट, अब बचता है 12 टू द पावर z इज इक्वल टू, तो 12 टू द पावर z इज इक्वल टू k है, ये भी लिख दिया। ये 12 के ऐसे फैक्टर स्टूडेंट करना है जो 2 और 3 का बन जाए, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 2 और 3 बन जाए, तो यहां लिख देते हैं z इज इक्वल टू k, यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर z बन जाता है, और इसको लिखते हैं स्टूडेंट 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर z इज इक्वल टू k लिख देते हैं। इसे यहां हम सॉल्व कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसको अलग अलग करते हैं, जब अलग अलग करते हैं तो 2 का पावर हो जाता है
टू जेड इंटू थ्री का पावर जेड इज इक्वल टू के। ये ऐसे बन गया स्टूडेंट, जो टू और थ्री की वैल्यू थी इसमें पुटअप कर देते हैं, और ये आपको ऐसे लिख लेना है क्योंकि टू का की वैल्यू है के टू द पावर वन अपन एक्स टू द पावर टू जेड इंटू थ्री की वैल्यू है स्टूडेंट के टू द पावर वन अपन वाई टू दी पावर जेड इज इक्वल टू के। अब ये ब्रैकेट हटा करके सिंप्लीफाई करते हैं, के टू दी पावर टू जेड अपॉन एक्स इंटू के टू दी पावर जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू के। अब इनके बेस स्टूडेंट सेम है इसलिए इंडेक्स ऐड कर दिए जाएंगे, ये 2z अपॉन x प्लस z अपॉन y इज इक्वल टू k टू द पावर 1 कर देते हैं। स्टूडेंट हमने आपको बताया है कि अगर बेस सेम है तो इनके इंडेक्स भी सेम होंगे, इसलिए इंडेक्स ये हैं और ये सेम हो जाएंगे, ये आपके इंडेक्स सेम हो जाएंगे। हम इसको लिखेंगे 2z अपॉन x प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू वन, या तो टू एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड लिख देंगे, ये जेड आ जाएगा इसके नीचे, जेड से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर जेड से डिवाइड करेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन जेड हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट, वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस टू अपॉन एक्स। ऐसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक आपको करने हैं। आइए हम आपको सेकंड सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये इंडेक्स के ये हैं, जैसे हमने फर्स्ट किया है स्टूडेंट वैसे ही आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, सीख जाना है कि कैसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सो दैट वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तीनों बराबर हैं, तीनों के लिए कांस्टेंट के चुन लेते हैं, टू का पावर एक्स थ्री का पावर वाई इज इक्वल टू सिक्स टू द पावर जेड इज इक्वल टू के। अब इसको लिखते कैसे हैं, टू का पावर एक्स इज इक्वल टू के एम्प्लाइज दैट थ्री का पावर वाई इज इक्वल टू के सिक्स टू द पावर जेड इज इक्वल टू के, ऐसे लिख लिया। यहां से 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, k का पावर 1 अपॉन एक्स, 3 इज इक्वल टू k का पावर 1 अपॉन वाई का पावर z इज इक्वल टू k। यहां 6 स्टूडेंट जो लिखा हुआ है बेस वो 2 और 3 का मल्टीपल है, तो यहां पर लिखते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर जेड इज इक्वल टू के, और 2 और 3 की वैल्यू इसमें रख देते हैं स्टूडेंट, इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा k का पावर 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा k का पावर 1 अपॉन बाई टू द पावर जेड इज इक्वल टू के, यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट ये जब अलग अलग होंगे तो ये पावर स्टूडेंट इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये पावर वन पन बाई में भी मल्टीप्लाई होगा, तो के का पावर जेड अपॉन एक्स इंटू के का पावर जेड अपॉन बाई इज इक्वल टू के। यहां स्टूडेंट हम इसे के का पावर
जेड अपॉन एक्स अब प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू के का पावर वन लिखते हैं। स्टूडेंट हमने ये सॉल्व किया और यहां तक आ गया। अब क्या हमने बताया स्टूडेंट कि अगर इनके बेस सेम हो तो इनके इंडेक्स बराबर कर दिए जाते हैं, तो बेस इनके के और इस साइड में के है इसलिए इनका इंडेक्स ये और इधर के इंडेक्स वन के बराबर हो जाएगा। तो जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड हो जाएगा और वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ये प्रूफ करना है, ये आपके पास सवाल दिए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बताया स्टूडेंट बहुत टेक्निकल होते हैं, ये आपको इंटरमीडिएट में भी मिलेगा, एसएससी में इस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में भी इस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं और डिप्लोमा में भी इस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप सीख लेंगे तो ये प्रूफ करने के लिए आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है, ये दिया रहता है कि आप इसमें से टिक लगाना है कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो यदि आप इसको सीखते हैं तो निश्चित ही आप डिप्लोमा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो है एसएससी के सॉल्व कर सकते हैं, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट तीसरे का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी टू दी पावर वाई इज इक्वल टू सी टू दी पावर जेड एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी सो दैट y इज इक्वल टू टू जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स। ये प्रूफ करना है स्टूडेंट, देखना है। इसे सॉल्यूशन के लिए हमने आपसे बोला स्टूडेंट कि अगर ये तीनों सेम हैं तो इसे कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, a टू दी पावर x b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z। ये तीनों बराबर है स्टूडेंट तो कोई कांस्टेंट चूज किया के और इनको अलग अलग लिखा, ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू के बी टू दी पावर वाई इज इक्वल टू के सी टू दी पावर जेड इज इक्वल टू के। यहां से ए बी सी तीनों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं स्टूडेंट कि यहां पर इन तीनों में से कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। अगर ए में अगर बी और सी का मल्टीपल खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, बी में ए और सी का मल्टीपल खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, सी में ए और बी का मल्टीपल खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर ए टू दी पावर के वन अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू के टू दी पावर वन अपॉन वाई और c इज इक्वल टू के टू दी पावर वन अपॉन जेड, ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। अब दिया है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसमें b a c तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां पर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, यहां पर k टू दी पावर वन अपॉन बाई
का होल स्क्वायर, यहां पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं k टू दी पावर 1 अपन एक्स, और ये हो जाएगा आपका इंटू k टू दी पावर 1 अपन जेड। ये हमने a और c की वैल्यू रख दिया और इसे सॉल्व किया, k टू दी पावर 2 अपन वाई और इसमें ऐड किया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड के। स्टूडेंट हमने आपको बोला कि अगर बेस सेम है तो इंडेक्स बराबर होंगे, तो इस बेस के का इंडेक्स है 2 बाई वाई, इस बेस के का इंडेक्स है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, तो ये लिखेंगे 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। इसका एलसीएम एक्स जेड लेंगे तो z प्लस एक्स और ये 2 अपान बाई हो जाएगा, और इसको हम 1 इसको हम लिख सकते हैं 2xz इज इक्वल टू बाई जेड प्लस एक्स। और बाई इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 2xz अपान जेड प्लस एक्स, ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये आपका तीसरा सॉल्व हो गया स्टूडेंट। ऐसे ही हम चौथा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है जो इसी टाइप का है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। चौथे क्वेश्चन में स्टूडेंट लिखा है कि 3 टू दी पावर एक्स, 5 टू दी पावर वाई और 75 टू दी पावर जेड, सो दैट जेड इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। तो ये तीनों इक्वल हैं तो ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू देंगे, हम यहां पे पुट कर लेते हैं 75 टू दी पावर जेड इज इक्वल टू के, 3 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू के, 5 टू दी पावर वाई इज इक्वल टू के, 75 टू दी पावर जेड इज इक्वल टू के। यहां से स्टूडेंट 3 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, के टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, 5 इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन वाई और यहां 75 टू दी पावर जेड टू दी पावर के। स्टूडेंट 3 और 5 को देखें, 75 को देखें, तो 75 के कुछ मल्टीपल 3 और 5 के रूप में फाइंड आउट होंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 कर लेते हैं टू दी पावर जेड इज इक्वल टू के, इसे 3 टू दी पावर जेड कर देते हैं इंटू इसे 5 टू दी पावर 2z कर देते हैं और ये k हो जाएगा। 3 और 5 की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट यहां हो जाएगा आपका 3 की वैल्यू पुट करना है k टू दी पावर 1 अपॉन एक्स टू दी पावर जेड, यहां हो जाएगा स्टूडेंट आपका k टू दी पावर 1 अपॉन बाई टू दी पावर 2z इज इक्वल टू k, और ये हो जाएगा k टू दी पावर z अपॉन एक्स इंटू
के टू दी पावर टू जेड अपान बाई इज इक्वल टू के अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट ये बेस सेम है इसलिए ऐड कर देंगे के टू दी पावर जेड अपान एक्स टू जेड अपान बाई इज इक्वल टू के टू दी पावर वन यहां स्टूडेंट बेस के सेम है इसका इंडेक्स आपका ये है और इसका इंडेक्स आपका वन है जब बेस सेम होंगे तो इंडेक्स बराबर कर देते हैं इक्वल कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं जेड अपॉन एक्स प्लस टू जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू वन वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेकर के अगर प्रूफ करना चाहते हैं स्टूडेंट तो यहां पर देख लें एलसीएम आपका एक्स वाई होगा वाई प्लस टू एक्स होगा और जेड इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई प्लस टू एक्स होगा ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छा है सो दैट ये सॉल्व करना है लास्ट क्वेश्चन है ये पांचवा क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट x टू दी x इज इक्वल टू टू का पावर वन बाई थ्री प्लस टू का पावर टू बाई थ्री सो दैट x क्यूब माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का आपको या तो आप डायरेक्ट वैल्यू एक्स की इसमें रख करके जीरो दिखा दीजिए या तो फिर इसी का दोनों तरफ क्यूब कर दें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपके लिए फार्मूला दोनों में आपको यही लगाना है ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला यूज ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए बी ए प्लस बी इसका यूज करके स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इस टेकिंग क्यूब टू द बोथ साइड यहां स्टूडेंट थ्री है इसलिए दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं क्यूब ले करके फिर इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग कर लेते हैं एक्स का क्यूब टू का पावर वन बाई थ्री प्लस टू का पावर टू बाई थ्री का होल क्यूब ये फार्मूला इस पर यूज करना है स्टूडेंट। अगर इस पर यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे टू का पावर वन बाई थ्री का क्यूब टू का पावर टू बाई थ्री का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू का पावर वन बाई थ्री इंटू टू का पावर टू बाई थ्री इंटू टू का पावर वन बाई थ्री प्लस टू का पावर टू बाई थ्री ये जो फार्मूला लिखा हुआ है स्टूडेंट इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट एक्स क्यूब है ये तो मिल गया है और ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा थ्री से थ्री कैंसिल हो गया टू हो गया थ्री से थ्री कैंसिल हो गया टू का स्क्वायर हो गया और ये थ्री इंटू ये बेस सेम है इसलिए पावर जुड़ जाएगा वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री हो जाएगा और इसके स्थान पे स्टूडेंट देखें तो ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है ये इस टू का पावर वन बाई थ्री प्लस टू का पावर टू बाई थ्री में एक्स इज इक्वल टू टू का पावर वन बाई थ्री प्लस टू का पावर टू बाई थ्री पुट कर दें
तो यहां पर केवल यक्स हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट एक्स क्यूब हो गया, ये 2+4 हो गया और ये आपका 3 × और इसे ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 2 का पावर 1+2/3 × एक्स हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2+4 = 6 और 3 × 2 का पावर 3/3 × एक्स, 6+3 × 2 × एक्स, ये स्टूडेंट 6+6x³ (x³ − 6x − 6 = 0) हेंस प्रॉप्ट हो जाएगा। इस प्रकार के कोई सवाल जब भी मिलेंगे स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, आप देख लीजिएगा इस मॉडल के क्वेश्चन आप कहीं भी खोज लीजिएगा, उसे सॉल्व करके आप जो है इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। कॉपी जरूर बना लीजिएगा क्योंकि सॉल्यूशन कभी आप इस मॉडल के क्वेश्चन मिलेंगे कहीं पर, तो ऐसे हमने सॉल्व करना सिखाया है, आप इसी तरीके से सॉल्व करके उसे कर सकते हैं। आपका इंडेक्स ऑफ रियल नंबर आज आपका समाप्त तो हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको नए एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।